हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे 6,300 तक वैकेंसीज इस बार निकल के आए, जिसमें आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते इस पोस्ट के लिए बेसिकली, तो यहाँ पर आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसी के बारे में बात करूँगा। तो देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 8, 10 and 12 पास करने वाले भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए दोस्तों, देख लेते आज के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 6,300 वैकेंसीज के साथ साथ यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते आज की उस ऑफिशियल नोटिस को। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। फास्ट पोस्ट जो है, यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है, उन सारे पोस्ट जो कि 24 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए, उसके बारे में एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप लोग यू कैन अप्लाई ईजिली योर एप्लीकेशन फॉर्म। फास्ट पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एनी स्ट्रीम से 1 लाख से 2 लाख तक सैलरी आपको दिया जाएगा। रेगुलर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें 56 वैकेंसीज है। 32-45 जो है आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, 5 ईयर्स तक या वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। सेकेंड नंबर पे जो पोस्ट है, रीजनल मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन पास है, 78 to 2 लाख तक सैलरी यहाँ पे रेगुलर एंड 85 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया सेम है, 3 इयर्स तक वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर के लिए पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास विद एनी स्ट्रीम, 67,000 से 2 लाख तक आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस पोस्ट के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे 104 वैकेंसी, 25 to 40 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है 2 इयर्स तक के वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए अगर पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेजुएशन पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते हो। 56 से 1,70,000 तक यहाँ पर दिया गया है रेगुलर, एंड 25 से 40 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 ईयर्स एक वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। 5th नंबर पे जो है डिविजनल मैनेजर ग्रेजुएशन पास, यहाँ पे भी सैलरी आपको सेम है। यहाँ पे 311 वैकेंसी, 25 to 40, 1 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास, 611 वैकेंसीज है, 18 से 41 इयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस। तहसील मैनेजर 12 पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते हो, 880 वैकेंसी, एज सेम, वर्किंग एक्सपीरियंस सेम। ब्रांच मैनेजर 12 पास, 273, 18 से 40 इयर्स, 1 ईयर्स के। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के 12 पास, यहाँ पे कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, एज क्राइटेरिया सेम है, 227 तक आपका वैकेंसीज है। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन पास एंड 156 वैकेंसी, 18 से 40 इयर्स तक, नो एक्सपीरियंस नीडेड। क्लर्क के लिए 12 पास, यहाँ पे 114 वैकेंसी, 18 से 14 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट एंड कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स चाहिए, 225, 18 से 40 इयर्स एज क्राइटेरिया। बाकी सब एज क्राइटेरिया सब सेम है। टीम लीडर के लिए 12 पास, 489। फील्ड ऑफिसर के लिए 12 पास, 249। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हाई स्कूल पास, 127। अप्रेंटाइज के लिए 10 पास, 754। स्टोर सुपरवाइजर के लिए 145। लैब अटेंडेंट के लिए 143। हेल्पर के लिए 280। ड्राइवर के लिए 90। एंड पियोन के लिए 78। गार्ड के लिए 208। टेली सेल्स ऑपरेटर के लिए 234। इलेक्ट्रिशियन के लिए 160, जो कि
8 पास फॉर पियोन गार्ड के लिए 8 पास, टेली सेल्स के लिए हायर डिवीजन और की 12 पास एंड 10 पास, इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब जो है पोस्ट है, इन सारे पोस्ट में कोई भी एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो एंड वर्किंग एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हो 27th of April से, जिसका लास्ट डेट दिया गया 26th May 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, SC ST OBC EWS के 375, अदर कैंडिडेट जो कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 650 रुपीज़। सिलेक्शन प्रोसेस ओनली ऑन इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ यहाँ पे देख सकते हो एंड एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन में ही करना होगा, जिसमें आपको पूरा जानकारी देना होगा, मतलब आपका पूरा डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ आपको वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जैसे हर बार की तरह दे देता हूँ, फिर से जो है आप लोगों को दे दूँगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करने के लिए कुछ दिक्कत होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करने वाला हूँ, अगर पसंद आया लाइक से एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से कोई भी एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।